ये घटना घटित हुई, किस तरह से मामला है पूरा, ये धमकी देने का किस तरह से? गुजर शिमला में जैसे शराब का ठेका अवेंट तो ये 8 दिन हो गए, लेकिन उसके बाजू में जो मेरा शराब मुक्त अभियान के कार्यकर्ता है और ग्रामीण है, उन्होंने विरोध किया है। तो उससे अब जो उसका व्यवसायी है, शराब का व्यवसायी, उसका ठेका नहीं खुला है। इससे आहत होकर उसने पहले मेरे को रुपये देने की पेशकश की। मैंने रुपये देने किस के व्यक्ति ने आपको रुपए देने की पेशकश राम की? स्वरूप जायसवाल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शराब माफिया है, यह मूलतः दौसा का रहने वाला है। जी उसने रुपये देने की पेशकश की, लेकिन मैं जनता के जो विश्वास मेरे ऊपर बनाया हुआ है, उसको विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। और इसलिए मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि मैं इस तरीके से कोई आपसे शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, जो जनता का विश्वास है उसे नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने इससे आहत होकर मेरे को जान से मारने की धमकी, वे पुलिस में बंद कराने की धमकी दी है मेरे को। और इससे मैं SHO वहाँ पे पहुँचा हूँ, पुलिस थाने में, महेंद्र बालाजी में। लेकिन उन्होंने कभी मेरे को जैसे कि सपोर्ट कार्रवाई करना चाहिए था, वो भी कार्रवाई नहीं करके मेरे को एक कोरा आश्वासन दे के ही भेज दिया। आप इसके लिए कोई लिखित में शिकायत करेंगे या उच्च अधिकारियों को कोई रिपोर्ट दर्ज कराएंगे या कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं करूँगा। अभी मैं जो हमारे कार्यकर्ता है, आसपास के 20-25 सरपंच है, वो जी सभी कल जैसे कि सिकराय में SDM कार्यालय में वो देंगे पत्र। उसके बाद में मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी का धरना प्रदर्शन करके एवं DGP को एवं गृह मंत्री उनको भी इस मामले से अवगत कराऊंगा।